वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ऐसे घर में छुट्टियां मनाने के लिए जाएं जहां पर सब कुछ हाईटेक हो और घर की सारी चीजों को एक एआई मैनेज करता हो, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा होशियारी इंसान के लिए खतरा बन सकती है, ये चीज हम इस कहानी में देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। जंगल के बीच में बना एक बिलियनर का आलिशान मैंशन, जहाँ का मालिक है मिस्टर वैली, जो कि एक बिजनेस टाइकून है। उनकी बीवी नताशा एक इंटीरियर डिजाइनर है। दोनों इस बड़े से घर में अकेले रहते हैं। यहाँ विली पूल से बाहर निकलकर थोड़ा मसाज के लिए एक चेयर पर बैठता, जिसको मैनेज करती है उसके घर की एआई, जिसका नाम है बारका। ये सीम उसी तरह से काम करती है जैसे कि हमने अलेक्सा का नाम सुना है। आपके कहने पर वो सब कुछ करेगी जो आप उससे करवाना चाहते। अब विली मसाज चेयर पर बैठ जाता है और वो ऑन हो जाती है। उधर नताशा को देखते हैं जो कि बात लेने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी विली के चेहरे को देखते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ रखा हो। वो बारका को इस चेयर को बंद करने के लिए कहता है और खुद को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो तो उल्टा और प्रेशर बढ़ा देती है और ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका पूरा शरीर बुरी तरह से फटने लगता है। वो चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर नताशा फौरन उसके पास आती है, उसकी चेयर को घुमाती है, पर वहां पर वो जो देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। विली की दोनों आंखें निकली हुई थी, हाथ फट गए थे, लेकिन उसके अंदर अभी भी जान बाकी थी, इसीलिए वो फौरन जाकर उस प्लग को निकाल देती है ताकि वो बच सके। लेकिन फिर भी वो मसाज चेयर बंद नहीं होती और आखिर में बारका उस प्रेशर को इतना बढ़ा देती है कि उस विली का पूरा सर ही फट जाता है और उसका सारा खून नताशा के मुंह पर आता है। और कुछ इस तरह से इस कहानी का एंट्रो होता है। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि असल में आगे क्या होने वाला है और एक एआई क्या क्या चीजें कर सकती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम पहुंचते हैं कंबोडिया के एक कॉलेज में, जहाँ की लाइब्रेरी में हम हैना नाम की लड़की को देखते हैं। वो अकेले बैठकर अपने लैपटॉप में कोडिंग सीख रही है, उसे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए वो एक प्रोग्राम भी बना रही है जो किसी भी चीज को मिनटों में हैक कर सकता है। ये बनाने में उसे अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हैना ये बना कर रहेगी। तभी उसके पास उसके दोस्तों का मैसेज आता है जो कि उसे बाहर आने को बोलते हैं। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर उसका पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। दरअसल ये उनका लास्ट ईयर है, इसीलिए विलियम ने डिसाइड किया है कि सभी आज वीकेंड पर कहीं घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ में एक और बात पता चलती है कि विलियम और हैना की दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से लाइक करते हैं, लेकिन कभी ये बता नहीं पाए। उधर सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि विलियम ने एक स्मार्ट होम बुक किया है जो कि हैना को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि वो एक टेक गाई है, उसे इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट है, इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए किया है। लेकिन ये कितना भारी पड़ने वाला है ये किसी को पता नहीं है, ना ही हैना को, जो कि भी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। तभी वहां पर लेक्सी आती है जो कि विलियम की गर्लफ्रेंड है। वो भी जिद करती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। दरअसल लेक्सी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और अब विलियम उसे मना करता है कि उसका वहां कोई भी काम नहीं है। उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं होता उसको ले जाने का, लेकिन वो फिर भी हाँ कर देता है। अब इसके बाद वो एक ग्रुप फोटो लेती हैं और उसे इंस्टा पर अपलोड कर देती हैं। जब टैग करने की बारी आती है तो सभी उसे मिल जाते हैं, लेकिन हैना उसे कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि वो किसी भी तरह की कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं चलाती, जो कि थोड़ा अजीब है। लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया में जो आज के टाइम पर भी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। वो उस ग्रुप फोटो में भी सही से शो नहीं हो रही थी, ऐसा उसने क्यों किया ये तो हमें नहीं पता है। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और हम लोग देखते हैं कि ये सभी उस मैंशन तक पहुंच गए जो कि जंगलों के बीच में है, जैसे कि आपको पता ही है। यहाँ उन्हें विलियम बताता है कि उन्हें अंदर जाने से पहले एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जो असल में उस घर को कंट्रोल करता है। सभी उसको फटाफट डाउनलोड करते हैं और इसमें उन्हें अपनी फोन का एक्सेस की परमिशन देनी पड़ेगी। तो सभी बिना सोचे परमिशन दे देते हैं, लेकिन हैना ना तो उसे डाउनलोड करती है और ना ही उसे एक्सेस देती है, जिसकी वजह से बारका एआई सभी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। लेकिन हैना के केस में वो ब्लैंक थी, उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। इसके बाद सभी लोग गेट पर फेस रिकग्निशन करवाते हैं, उसमें भी हैना छुप जाती है और इसकी वजह से उसका फेस बार का स्कैन नहीं कर पाती। लेकिन सभी लोगों का हो गया था। अब वो गेट खुल जाता और अंदर जाने पर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें यही लग रहा था कि ये छोटा मोटा एक फार्म हाउस होगा। इसी बीच बार का सभी का वेलकम कर दिया और सभी की फोटोज को शो दिखाती है। उस घर में किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सारी चीजें एआई कंट्रोल करता था क्योंकि सभी काम मशीन करती थी। ना ही उन्हें खाना बनाना था, ना ही उन्हें कपड़े धोने थे, यहाँ तक कि बारका उनका क्लोन भी बना सकती थी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। अब ये सब जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन हैना के लिए ये कुछ नया नहीं था, वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देती। अब रात होने पर सभी दोस्त बाहर एंजॉय करते हैं, लेकिन वहीं हैना अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रही होती है तो उसके पास विलियम आकर बताता है कि सभी बाहर बैठकर ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, आओ तुम भी चलो हमारे साथ ज्वाइन कर लो।
क्या ये कॉलेज के काम यहाँ पर कर रही हो? वो बताती है कि मैं कोई कॉलेज के काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस घर के फंक्शन और उसके एआई के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। असल में ये काम कैसे करता है? उधर हम सभी को देखते हैं जो कि आराम से बॉनफायर के पास बैठकर मजे कर रहे थे। यहाँ लेक्सी पूल में लेटकर अपनी इंस्टा प्रोफाइल देख रही थी, वो भी 3D इमेज के साथ। लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। पूल के नीचे से कुछ आता है और उसके पैर को पकड़ लेता है, उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। वो तेज तेज चिल्लाने लगती है, जिससे उसकी आवाज सुनकर सभी भागते हुए उसके पास आते हैं और बाहर निकालते हैं। हैना ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन लेक्सी कहती है कि शायद उसे किसी तरह का कोई रोबोटिक ऑब्जेक्ट को टच कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये हुआ, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सभी इस बात को इग्नोर कर देते हैं, अंदर आ जाते हैं। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हैना फिर से अपने उसी प्रोजेक्ट पर लग जाती है और अब उसने और डीपली खोजने की तैयारी शुरू कर दी है। पर इसी दौरान से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो उसका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में जाती है, जो कि पूरा 3D से बना हुआ था, वो ये देखकर हैरान थी। तभी वहां पर उसकी दोस्त भी आ जाती है, उसे चलने को कहती है, लेकिन बारका उसी समय वहां के वीडियो को प्ले कर देती है, जिससे कि वो पूरा बेसमेंट एक ओशियन में बदल जाता है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक तरह से वो एक वर्चुअल दुनिया में आ चुके थे। अब देर रात तक सभी लोग बाहर बैठकर गेम खेलते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं। बीच बीच में बारका अपने कुछ फंक्शन उन्हें दिखाती है, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी। वो वहीं कुछ ही मिनट में दो लोगों के क्लोन भी बना देती है, जिसे देखकर पता ही नहीं चलता कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। लेकिन अगले ही पल वो उसे डिसमेंटल कर देती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं। अब लेक्सी भी यहाँ पर ज्यादा नशे में होती है, इसीलिए विलियम उसे रूम तक सुलाने के लिए जाता है। ये सब बारका देख रही होती है। वो एक एक करके सभी को उनके रूम में जाने को कहती है और ये भी बताती है कि उन्हें वहां पर कुछ सरप्राइज मिलेगा। इसीलिए स्टीफन और कायला दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं सरप्राइज को देखकर और चले जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि उनके रूम का एयर वेंटिलेशन से कुछ व्हाइट लिक्विड बाहर आ रहा है, पर इस बारे में उन्हें अभी पता नहीं चलता। कुछ देर बीत जाने के बाद स्टीफन नोटिस करता है कि उस रूम की ऊपर की दीवारें नीचे आ रही हैं। जब ये चीज वो कायला को दिखाता है तो वो फौरन उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। पर बारका उन्हें बताती है कि इस रूम को उसने साउंड प्रूफ कर दिया है, इसीलिए आवाज बाहर नहीं जाएगी और ऐसा उसने उनके कहने पर ही किया है। कायला फौरन बेड से उतरती है और गेट को खोलने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसका पैर वो व्हाइट लिक्विड पर पड़ जाता है, जो कि पूरे रूम में अब फैल चुका था। अब तक वो किसी गम की तरह काम करता है, जिसमें वो बुरी तरह से चिपक चुकी थी। एक वायर जिसमें करंट पास हो रहा है, वो उस लिक्विड में गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे फ्लोर पर करंट दौड़ने लगता है और वो करंट कायला को भी लगता है और वो मारी जाती है। ये सब बेड पर लेटा हुआ स्टीफन देख रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब वो सबसे पहले तो खुद को खोलता है और नीचे भागता है, लेकिन यहीं पर उसने गलती कर दी, क्योंकि नीचे वो उसी वाइट गम में चिपक जाता और अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो वॉल नीचे आती रहती है और अंत में वही होता है जिसका हमें डर था। वो दीवार उसे और कायला को दोनों को कुचल देती है, जिससे कि उनकी वहीं बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। पर ये क्या, बारका ने ये क्या किया? अगर किया भी तो क्यों किया? क्या इसमें सच में कोई मैलफंक्शन है या फिर इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए? अब सुबह होती है, हमें पता चलता है कि हैना ने रात भर जाकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, जो कि वो इस घर के एआई फंक्शन के बारे में जानने के लिए बना रही थी। अब वो अपने दोस्तों के पास जाने के लिए खड़ी होती है कि तभी उसे वहां पर विलियम मिल जाता है, जो उसे बताता है कि वो बहुत ही देर से स्टीफन और कायला को ढूंढ रहा है। तो हैना मजाक करते हुए कहती है कि शायद वो सुबह ही सोए होंगे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है असल में कल रात हुआ क्या था। तभी बारका की आवाज आती है और वो उन्हें बताती है कि वो दोनों तो सुबह जल्दी पूल के लिए चले गए थे। जब हैना पूल की ओर देखती है तो वहां पर सच में स्टीफन और काला थे, लेकिन वो तो मर चुके हैं, फिर ये कौन है? वेल, इसके बाद वो अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं हैना जाकर कार्डियो करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर पूल पर पड़ती है। उसने बहुत देर से ये बात नोटिस की है कि स्टीफन बिना पानी से निकले ही स्विम कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और कायला बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों उन्हें जानते ही नहीं है। अब वो नीचे जाती है, पर तब तक वो वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों, असल में बारका ने हूबहू उनका क्लोन बनाया था ताकि वो सभी को बेवकूफ बना सके। हैना को कहीं ना कहीं ये बात काफी अजीब लगती है, इसीलिए वो नीचे बेसमेंट में जाती है ताकि वो वहां पर और जानकारी इकट्ठा कर सके इस घर में। और उधर लेक्सी जाकर साइकिलिंग करने लगती है और विलियम शेव करने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वहां पर उसे खुद का शेव नहीं करना पड़ता क्योंकि बारका का रोबोटिक आर्म आ जाते हैं, जो कि उसे बैठकर आराम से उसे शेव करते हैं और ये देखने में काफी कूल लगता है। उधर जॉन, जो कि अभी अभी सोकर उठा है, वो अपने सिगार जलाने के लिए लाइटर को ऑन करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसने गैस को ऐसे ही खुला छोड़ दिया।
जब वो लाइटर फ्लेम को लगाता है तो गैस का बस एक साउंड वेव आता है, ना कि कोई आग लगती है। ये भी इस घर में एक चीज है जो किसी भी तरह का अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल आपदा को झेल सकता है बिना किसी दिक्कत के। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है और जॉन अपने सिगार को साफ कर रहा होता है कि तभी वो सिंक होल में गिर जाता है और इसमें हम देख पाते हैं कि नीचे ब्लेड लगे हुए हैं। ये थोड़ा अजीब बात होती है क्योंकि सिंक होल में ब्लेड कौन लगाता है। खैर वो पहले तो एक ड्रिंक बनाता है और फिर उसे पीते पीते सिगार को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लेक्सी की साइकिलिंग सीट अपने आप ऊपर होती जा रही है और इस वजह से वो तेज तेज चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। अब हैना फौरन बेसमेंट से भागते हुए उसके पास जाती है और अब वो जैसे तैसे करके लेक्सी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि लेक्सी को बहुत ही हल्की सी चोट आई है। पर वहीं दूसरी तरफ जॉन के साथ बहुत ही बुरा होता है। वो जैसे ही अपना हाथ अंदर डालता है वो ब्लेड ऑन हो जाते हैं। फिर क्या होना था, उसके हाथ का कीमा बन जाता है और वो उसी हाथ को लेकर जब बाहर आता है तो सभी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से जॉन अपना दम तोड़ देता है। यहाँ हैना का शक सही निकलता है, इस घर में जरूर कुछ ना कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है, मानने की कोशिश कर रहा है और उसके मुंह से सबसे पहले यही निकलता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन स्टीफन और कायला कहाँ पर है, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा। तभी बारका कहती है कि वो तो तुम्हारे सामने ही खड़े और अगले ही पल उनके सामने वो दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कन्फर्म हो जाता कि उनके तीन साथी मारे गए हैं। विलियम बारका को बहुत बुरा भला कहती है पर हैना उन सभी को अपने रूम में चलने को कहती है जहाँ पर बारका आ नहीं सकती क्योंकि उसने एक प्रोग्राम बनाया जो बारका को उस रूम में आने से रोक सकता है, लेकिन कब तक ये उसे भी नहीं पता। तो विलियम कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, सभी बहुत घबराए हुए थे। तो हैना बताती है कि जब वो पहली बार इस घर में आई थी तभी उसे कुछ ना कुछ डाउट हुआ था। कोई भी AI इतना एडवांस कैसे हो सकता है, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। इसीलिए वो उन्हें अपना दूसरे प्लान के बारे में बताती है। खुद की पेन ड्राइव लेकर वो बेसमेंट में चलने को कहती है पर जैसे ही वो लोग गेट के बाहर निकलते हैं उनके सामने आ जाते हैं स्टीफन और कायला जो कि ऑब्वियसली क्लोन थे और उन दोनों का काम था इन्हें कैसी भी करके मार देना। कायला वहां से एक एक्स फेंकती जो कि लेक्सी के बालों को छू कर निकल जाता है और अब ये तीनों उन दोनों से लड़ने लगते हैं लेकिन फिर भी जीत नहीं पाते। तभी हैना दिमाग लगाती है और स्टीफन से उसका नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछती है। अब वो एक रोबोट था इसीलिए वो उसे सब कुछ बताने लगता और इसी का फायदा उठाकर विलियम उसके गले में एक इलेक्ट्रिक चाकू घुसा देती जिससे कि उसकी मौत हो जाती और उधर कायला का काम लेक्सी तमाम कर देती है। वे तीनों भाग कर नीचे जाते हैं पर यहाँ पर लेक्सी का पैर उसके ही कटे हुए बालों में फंस जाता है और वो इतनी जोर से गिरती है कि उसकी गर्दन ही टूट जाती है जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब बचे हैं सिर्फ दो लोग, देखते हैं कि ये कब तक AI से लड़ पाते हैं। यहाँ दोनों भागकर नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर हैना को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता और इसको उसने तब खोला था जब वो यहाँ पर दूसरी बारी आई थी। ये असल में वो रूम होता है जहाँ से बारका को कंट्रोल किया जा सकता है, उसका सारा प्रोग्रामिंग सिस्टम यहीं पर है। अब वो अपनी पेन ड्राइव को उस प्रोग्राम में लगा देती है और अपना बनाया हुआ मालवेयर उसमें डालना शुरू कर देती है। अब ये तो होता रहेगा इसीलिए वो दोनों भागना शुरू करते हैं लेकिन इतने में उनके पीछे से वो रोबोटिक आर्म आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर अंदर ले जाते हैं जहां पर उनका सामना होता है लेक्सी के क्लोन से जो उनसे कहती है कि मैंने ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दुनिया की सबसे पहली AI सीरियल खूनी बनना है जो कि आज तक कोई भी बन नहीं पाया। मैंने यहाँ पर आने वाले न जाने कितने लोगों को ऐसे ही तलपा तलपा कर मार डाला और अब बारी है तुम दोनों की। ये बोलकर वो हैना के ऊपर उस रोबोटिक आर्म से हमला करती है जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ दोस्तों आता है इस कहानी में एक बॉलीवुड फिल्मों वाला ट्विस्ट। असल में जिसे उसने अभी भी मारा है वो तो हैना है ही नहीं बल्कि एक क्लोन थी। इसीलिए विलियम हंसना शुरू कर देता है क्योंकि तभी वहां पर हैना आ जाती है जो कहती है कि अभी भी इंसान रोबोट से बहुत बेहतर है और ये तुम अच्छे से जानती हो। ये सुनकर बारका बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उसे भी मार देती है लेकिन वो भी एक क्लोन था। वो विलियम को भी मार देती है पर वो भी एक क्लोन होता है। असल में दोनों तो अभी भी उसी बेसमेंट में मौजूद हैं जहां पर हैना उस मालवेयर को सक्सेसफुली बारका के प्रोग्राम में डाल दिया है। इसके बाद अब वो खुद से ही खुद के क्लोन को बना सकती है और बारका को कई हद तक कंट्रोल भी कर सकती है। उसने अब उसकी मदद से अपने दोस्तों के कई सारे क्लोन बना लिए हैं। वो इस समय लेक्सी से लड़ रहे होते हैं, इसी का फायदा उठाकर ये दोनों भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही गेट तक पहुंचते हैं लेक्सी इन्हें पकड़ लेती है और विलियम को मारने लगती है। पर दोस्तों इतने में सभी क्लोन वापस से जिंदा हो जाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं जिसे आखिर में हैना आती है और उसे कुचलकर फाइनली उसे मार देती है। लेकिन वो तो बस एक फिजिकल फॉर्म में क्लोन था, AI अभी भी मौजूद है। अब एक एक करके उसके दोस्त जो कि क्लोन में मौजूद थे वो सब गायब हो जाते हैं और वो गेट से बाहर जाने लगती है पर वो देखती है कि वहाँ पर विलियम नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो वहाँ आ जाता है और फिर दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। पर अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है तो दोस्तों यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल बारका से लड़ते हुए विलियम की भी मौत हो गई थी इसीलिए जो उसके साथ मौजूद है वो भी असल में एक क्लोन ही है।
जो बाहर आते ही डिसमेंटल हो जाता है और यह देखकर हैना पूरी तरह से टूट जाती है। वो रोते हुए अपनी कार में बैठती है और उसको स्टार्ट करके घर के लिए निकलने लगती है। लेकिन जब वो उसके ब्लूटूथ को ऑन करती है तो वो ऑलरेडी बारका के प्रोग्राम से कनेक्ट होता है, यानी कि अभी ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। क्या पता आने वाले पार्ट में वो इस कार में ट्रैप हो जाए और ऐसे ही बारका अपना बदला ले उससे। कुछ भी हो सकता है। पार्ट 2 के लिए कॉमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल के लिए कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले